सिगरेट पी रहे हैं, शर्म आ रहा है ना ये गाड़ी बड़े बुजुर्ग
तुमको तनिक शर्म नहीं आती हमारे सामने ये चिलम से खाते हुए तम्बाकू खाते हुए तुमको शर्म नहीं आती? अब सुन ले भैया कहावत कहे गए बतावा होएगा आप बराबर होएगा समझाओ बाप बराबर। और ऐसा है जब तक हम दुई चार कलश लगा न ले हमको तनिक याद नहीं होता कलश का हो रे साथ में यही दिक्कत है। अरे काका हम यही तो कह रहे हैं का कौनो कुछ समझ समझ में नहीं आवत है देखो कस का कलश बोल ही रहा है। ये आज तो दिमाग को खराब होएगा है यहां जो सब सिगरेट पिगरेट पिए थे पढ़ो लिखो जाए चलो मोशन बनी रहा है थोड़ा आए लगा ली है ना। अरे इस गर्मी में कम मोशन बनेगा जो बरसात हो बताओ इस गर्मी में मौसम पर सवार है। अरे हम काका से कह रहे हैं आप बात कर रहे हैं। अरे वो नहीं है अपने वो जो गांव में रहते हैं। कौन कौन? अरे वो बड़के चाचा उनके बिटुआ जो शहर में रहते हैं। हाँ उनके बड़े लड़का आए हुए हैं यहाँ और हमका बाजार में मिले थे तो कह रहे थे कि हम आएंगे मिलने के लिए। अरे अरे बिटुआ तुम कौन जा रहे हो? अरे तो भले कितनी बार समझावा है कि चपराई में आंगन में न थूका कर लेकिन तू तो मानता है ना ही है। बेटवा देखो तुम्हार भाई अमित गिरगवा हम सवेरे अपने आप का चमकावे के बाद सब सजे सवरे के बाद लाली लिपस्टिक लगाए के बाद हम फरस से एकदम चमका दे था तू लेकिन देवर जी ये मनते नहीं है ये हीन थूकते हैं वो थूकते हैं इनका तनिक समझाओ नहीं तो हम अपनी अम्मा के घर चले जाएंगे। हाँ तुम तो ऐसे कह रही है कि तुम तो तम्बाकू खावत नहीं ना। हाँ खावत है तो तुम्हारी तरह डॉक्टर साहब ऐसा तो आराम मिला है डॉक्टर साहब।
लगा भी, इसी से तो इनको आराम मिलेगा। चुप रहिए आप लोग, डॉक्टर मैं हूँ कि आप लोग हैं? नहीं आप हैं डॉक्टर। प्लीज लेट मी चेक, मुझे चेक करने दीजिए। कहाँ कचा? अरे डॉक्टर साहब, इन सब से कोई फायदा नहीं। अरे जब तक इनको भूखे की तलब नहीं मिलेगी तब तक ये ठीक नहीं होंगे। अरे चाचा, ए मुमे ठूस 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 अरे ठूस ठूस नहीं तो आप अपन लोग सी डाकना चाहते हैं भर्ती करा दे कमीशन बढ़ना। अरे आप प्लीज इनको चुप करवाइए। चुप करो, आप अपने पेशेंट की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं क्या? आप लोग शांत खड़े हो जाइए। और ये क्या है? चुप रहिए। राजू तुम भी चुप रहो। आपके परिवार में कोई किसी को मना नहीं करता है क्या? हमारी भाभी तंबाकू ले और हमारे भैया तो दारू पिया थे, दारू पिया। कहा था कि गांजा पिया से ज्ञान बढ़ घटाए और बीज घटाए अंदर का और खासा खाता तनका जैसा दम फूट जाए मुंह निकल जाए जैसा बंदर का। इनको चुप कराएंगे आप? इनको तो भगवान ही चुप कराए। सुनिए मिस्टर, अब आप चुप हो जाइए, बहुत बोल चुके हैं आप। आपको ये तो नहीं लग पता नहीं चल रहा है कि पेशेंट किस कंडीशन में है? मजाक सूझ रहा है आपको? ये कब से ये सब तंबाकू वम्बाकू का सेवन कर रहे हैं? ये तो जन्म से ही तंबाकू की जगह इसको यही भुगता ही पिलाया है। कैसा परिवार है कुछ समझ नहीं आता। अच्छा देखिए, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल आदमी मुझे आप लगते हैं, इधर आइए। देखिए मुझे डाउट है कि ये कैंसर की सेकेंड स्टेज में है। लगातार तंबाकू का सेवन करने की वजह से इनकी ये कंडीशन हुई है। देखिए अभी मुझे डाउट है, ये कुछ टेस्ट हैं ये मैंने लिख दिए, आप इनको करवा लीजिए तब मेरा डाउट क्लियर होगा। और अगर मेरा डाउट सही है तो इनका ऑपरेशन करवा देंगे। अब इनको कोई भी ये सब नहीं पिलाएगा अगर इनकी जिंदगी चाहते हैं तो। आप लोग भी, आप तो खैर पीते ही हैं, आप भी पीते हैं क्या सिगरेट वगैरह? अगर पीते हैं तो समझ जाइए, वरना एक दिन आपकी भी यही कंडीशन होगी और इनसे भी पहले होगी। हम सुना है डॉक्टर ने कहा है उसका फ्यूजन निकाल। आप पहले तंबाकू निकाल।
क्या कर रहे तुम लोग? क्या सार्वजनिक प्लेस में नशा? चलो थाने। अरे साहब, अरे थाने जाके नशा छोड़ दिया तो दुनिया के सारे ठेके ना। अरे तो सिगरेट पीते हुए तुम्हें हॉस्पिटल में क्यों? अपने मुंह में पी रहा है सिगरेट, मुंह में पी रहा है ना। चलो थाने। चलो। अरे अरे मेरे दादू का ऑपरेशन चल रहा है अंदर। अरे तुम खाने बंद कर दोगे तो मर जाएंगे इस सदमे से। दद्दू का ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद भी तुम ये नशा कर रहे हो? ये नशा पत्ती तो इतनी है, एक झटके से तो छूटेगी नहीं, धीरे धीरे छूटेगी। छूटेगी एक ही झटके से छूटेगी। चल खाने। अरे ये लोग पब्लिक प्लेस में नशा करते हैं और पुलिस वाले को रिश्वत देते हैं। अरे राजू तुझे कितनी बार समझाया? चाचा माफ कर दे, चाचा माफ कर दो, चाचा चाचा। इंस्पेक्टर साहब, एक बार इन बच्चा का माफ कर दो, अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे। हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो इंस्पेक्टर साहब, क्षमा कर दो। ठीक है, आपके कहने पर मैंने छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुम लोग नशा करते दिखे सीधे अंदर कर दूंगा। अरे ये लोग पब्लिक प्लेस में नशा कर रहे हैं और पुलिस वाले की रिश्वत देते हैं, सीधे अंदर कर दूंगा मैं इन लोगों को। इन लोगों का कुछ नहीं होने वाला है, इसके दादाजी का अंदर ऑपरेशन चल रहा था। तुम लोगों को पता नहीं है सार्वजनिक स्थान पर इस तरह से स्कूल, न्यायालय, अस्पताल, अन्य सार्वजनिक स्थानों पे इस तरह से नशा करना, तम्बाकू का सेवन करना कानूनन अपराध है। अच्छा प्लीज देखिए, इसके दद्दू का बहुत सीरियस ऑपरेशन चल रहा था, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप प्लीज इसको रोक दीजिए। ओके मैम, आपके कहने पर मैंने छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार समझ गए ना? जी सर। अंदर कर दूंगा। जी सर। देखो हमारे दद्दू का ऑपरेशन तो हो गया, ठीक है, एक किलो मसाला निकला है अंदर से। एक किलो मसाला क्या खाया? लेकिन सुनो, एक बात का ध्यान रखना, ऑपरेशन तो हो गया है लेकिन आगे से ना वो हुक्का, ना चिलम, ना तम्बाकू, यानी कुछ नहीं खाना है। अगर खा लिया उन्होंने तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता है, समझे? अब उनका ध्यान रखना। चला गया था, आप डिस्चार्ज करवा के ले जा सकते हैं अपने दद्दू को, ठीक है? अभी आपको कंपाउंडर आके बताएंगे आपको कब लेकर ले लीजिए, संभालिए अपने पैसे और हाँ एक बात और, इनको अगली बार नशा करने मत दीजिएगा वरना इनकी हालत और खराब हो जाएगी, ठीक है? ठीक है कंपाउंडर साहब। मत मार। नहीं अब चला लीजिए। अरे रामदीन, अरे तनिक एक फुटकी मार लें दे। यही खाने तुम्हारे चिंता में तो हम दूबार हो गए, यही मारे भूख डांट कर नहीं जाए। अरे कहाँ तनिक, नहीं अब देखा तो हम अब खींच के और तुम्हारे मुँह में डाल दे, स्वाद मिल जाए। अरे ठीक है रामदीन, ये सब दद्दू से दूर रखो।
इनके गले से 1 किलो मसाला निकला है, अगर कुछ भी हुआ आगे तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। भैया राम राम, अब हमका किराना की दुकान जाए के ना पड़ी, 1 किलो मसाला निकलवा लेने सब्जी में बदलवाए खाके। अरे हम तो बहुत बढ़िया की हो तुम नटुआ राजू, अब किराना की दुकान की फुर्सत है, बहुत बहुत चर्चा करत रहा है मसाला दे। अब हम लोग चलते हैं, ठीक है, अपना ख्याल रखियो, लोग पीजी में आते रहिए, ठीक है तू? हाँ जा बेटा, जा तू, मैं भी चलता हूँ। अच्छा था तो हम जरा लागो शंका करिए, लेकिन ऐसा छुआ ना ना छुआ था ऐसा रखा रहा जा, ऐसा लोग शंका करके आई जा भाई। अरे कहाँ है तू? अरे तू कहाँ है? लगा तुम फिर सुट्टा खींच रही हो कहाँ? अरे तू होती है, और अधिकतर मृत्यु तंबाकू के सेवन के कारण हार्ट स्ट्रोक से होती है।
जिसके कारण ब्लड वेसल्स ब्लॉक होकर के हमारे दिमाग में रक्त का संचार बढ़ जाता है और उसकी वजह से अचानक मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा महिलाओं में एक समस्या ये होती है कि असमय उनके झुर्रियां पड़ जाती हैं, जो कि कोई भी महिला नहीं चाहेगी कि उसके झुर्रियां पड़े। अनियमित मासिक चक्र हो जाता है या फिर उसमें व्यवधान हो जाता है, वो रुक जाता है, जिसके कारण अनेक शारीरिक समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। और यदि कोई गर्भवती स्त्री गर्भ धारण के दौरान तंबाकू का सेवन करती है तो उसके बच्चे पर इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से आगे जाकर उसका बच्चा स्लो लर्नर पैदा हो सकता है। और आज के ज़माने में स्लो लर्नर की कहीं कोई पूछ नहीं है, क्योंकि ज़माना बहुत फास्ट है। बाकी बच्चा अपंग भी पैदा हो सकता है और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी इससे बढ़ सकता है। इसलिए आज आपने इस परिवार का अंजाम देखा। अल्सर जैसी समस्या भी तंबाकू के सेवन से ही सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है। जैसे आपने इस परिवार को देखा, ऐसा किसी और परिवार के साथ ना हो। हमारा जीवन हेलो क्या मायके में भाभी की मां को के पेट में अल्सर हो गया? हाय भगवान, इधर दद्दू निपट गया, उधर वो हाय, मेरा तो पूरा परिवार ही खानदान निपट जाएगा। अरे ये तंबाकू, ये नशा, अरे ये मेरा पूरा खानदान सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। हे भगवान, मुझे भी उठा ले मुझे। ऐसे ही पीते रहोगे तो एक मुट्ठी हो। अब पछताने से क्या होगा? इसलिए आगे से ऐसा नहीं करोगे, इसका प्रण लो। और हम सबको भी ये प्रण लेना चाहिए कि हम हमारे देश को, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को और हमारे अपनों को इस तंबाकू नामक राक्षस से बचाने के लिए तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। थैंक यू। एक चेला अपने गुरु से कहता है, एक बीड़ी लेकर कहता, गुरु जी ये क्या है? तो गुरु जी कहता है, बेटा ये एक बीड़ी है। तो फिर वो क्या कहता है कि ये बीड़ी कैसी होती है? जैसा दद्दू की स्वर्ग की सीढ़ी होती है। धन्यवाद इस नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति।